दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब भी हवाई जहाज हमारे सर के ऊपर से जाता है तो बहुत तेज़ आवाज़ करता है, पर जब हम हवाई जहाज के अंदर बैठे होते हैं तो वह आवाज़ हमें सुनाई क्यों नहीं देती? या फिर क्या ये जानते हैं कि एक धरती कहाँ पर ख़त्म होती है? अच्छा, अगर ये सब नहीं भी पता तो ये तो जानते ही होंगे कि 2000 के नोट पे जो बबल होते हैं वो किस लिए होते हैं और उनका क्या मतलब होता है? दोस्तों, तभी तो कहता हूँ हर वीरवार को देखा करो फैक्ट्स नेशन पे यह एपिसोड, क्योंकि चुन कर लाता हूँ मैं 10 ऐसे फैक्ट जो आपको समझदार और बुद्धिमान बनाते हैं। दोस्तों, बांध लीजिए अपनी कमर पेटियाँ, पूछ लीजिए अपने नाजुक कानों में उन चाइनीज़ हेडफोन्स को और ज़रा भी देरी ना किए शुरू करते हैं आज का यह रोमांचक सफ़र। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एप्पल के किसी भी प्रचार में मोबाइल में या फिर टैबलेट में हमेशा 9:41 का समय क्यों दिखाई देता है? अगर आपने इस पर कभी गौर नहीं किया तो अब करिए। इसका कारण यह है कि एप्पल का सबसे पहला फ़ोन 9:41 पर लॉन्च हुआ था। तो दोस्तों, है ना ये कमाल का फैक्ट। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, सबसे ज़्यादा मज़ा तो गाँव में ही आता है, क्योंकि वहाँ पर सभी लोगों की दरिया दिली देखी जाती है। ऐसा ही कुछ एक हाल है एक गांव का भी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, नेपाल में एक गांव है जहाँ के हर एक व्यक्ति ने अपनी किडनी ज़रूरतमंद लोगों को दान की है, इसलिए इस गांव को एक किडनी के नाम से भी जाना जाता है। वाओ, अमेजिंग यार। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी पेड़ पौधे तो लगाए होंगे ताकि किसी को ऑक्सीजन की कमी ना हो, पर क्या आप जानते हैं एक्सलेरिया पोलोमोर्फा यह एक पेड़ है? जी हाँ दोस्तों, यह आम तौर पर ऐसा दिखता है कि जैसे किसी मरे हुए व्यक्ति की उंगली निकल रही हो, वो भी जमीन से। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या देखा है आपने ये पेड़। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आपने यह तो सुना ही होगा कि हर कोई व्यक्ति किसी न किसी कारण से कुछ बड़ा काम करता है, पर क्या आप जानते हैं कि कुछ हाल एप्पल का भी ऐसा ही है? क्योंकि एप्पल कंपनी का नाम एप्पल इसलिए पड़ा क्योंकि उसके फाउंडर को एप्पल खाना बहुत पसंद है और वह एप्पल खाकर ही अपना काम करते थे। दोस्तों, है ना ये कमाल का फैक्ट। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर धरती का अंत होता है। तो उस जगह का नाम ससेक्स है, यह इंग्लैंड में है और यही वह जगह है जहां पर धरती का अंत होता है। तो दोस्तों, है ना ये कमाल का फैक्ट। फैक्ट नंबर 5। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि जब एयरप्लेन हमारे सर के ऊपर से जाता है तो बहुत आवाज़ करता है, लेकिन जब हम एरोप्लेन के अंदर बैठे रहते हैं तो वह बहुत ही ज़्यादा शांत होता है, वो भी अंदर से। ऐसा क्यों होता है? तो चलिए बताता हूँ। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एरोप्लेन के अंदर कमर्शियल एयरलाइन होती है, वो भी सिल्वर कलर की, जिसके कारण वह बाहर के साउंड को अंदर आने नहीं देती और उसके ऊपर गोल्डन कलर का कलर होता है। इसीलिए आप जब एरोप्लेन के अंदर बैठते हैं तो आपको बिल्कुल भी आवाज़ सुनाई नहीं देती। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि 2000 के नोट पे ये बबल क्यों दिखाई देते हैं। दोस्तों, अगर आप इन बबल को काउंट करोगे जो एक हर नोट पे होते हैं 2000 के, तो आपको यह संख्या देखने को मिलेगी 9, 11 या फिर 16। इनका यह मतलब होता है कि इस दिन फर्स्ट टाइम यानी कि यह नोट बन गया था। वाओ, अमेजिंग यार। नंबर 3। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जो ताश में जो पत्ते होते हैं वो हमारे 4 सूट को दर्शाते हैं, वो भी हमारी अर्थव्यवस्था को। जैसे जो डायमंड होता है वो ट्रेड के लिए होता है, और जो क्लब होता है वो होता है एग्रीकल्चर के लिए, और जो हर्ट होता है वो होता है चर्च के लिए, और जो आखिरी स्पेड्स होते हैं वो होते हैं मिलिट्री के लिए। दोस्तों, है ना ये कमाल का फैक्ट। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि लाल कलर को ही हमेशा क्यों यूज़ किया जाता है डेंजर सिग्नल और स्टॉप लाइट के लिए। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यह लाल कलर थोड़ा दूर से भी दिखाई देता है और यह अंधेरे या फिर कोहरे और बारिश में भी दिखाई देता है, इसीलिए लाल कलर का यूज़ किया जाता है, वो भी नल्स पे। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि समुद्र के किनारे इस तरह के पत्थर क्यों रखे जाते हैं। इस तरह के पत्थर आपको मुंबई के मरीन ड्राइव पर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इन्हें ट्रैप रोड भी कहा जाता है, क्योंकि इन पत्थरों की 4 टांगे होती हैं। वहीं अगर इनकी 3 टांगे हों तो इन्हें ट्राइपोड कहा जाता है। इन तरह के पत्थरों का उपयोग वहां किया जाता है
जहाँ पर सड़क के किनारे या फिर बिल्डिंग, और जहाँ पे समुद्र की लहरें बड़ी और ताकतवर होती हैं। अगर समुद्र की लहरें उन सड़कों और वहाँ की बिल्डिंगों से टकराए तो भारी नुकसान पहुँचा सकती हैं। इन्हीं नुकसान से बचने के लिए समुद्र के किनारे इन पत्थरों को रखा जाता है, इसीलिए इनके आगे पीछे यह पत्थर रखे जाते हैं और ताकि बिल्डिंगों को नुकसान ना पहुँचे। तो दोस्तों, है ना ये कमाल का फैक्ट। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होता है टॉप 10 फैक्ट्स का यह रोमांचक सफ़र। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों, तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। और हाँ, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका कहे दिल से शुक्रिया।